बड़े पर्दे के खलनायक करण पांडे बने रियल लाइफ में हीरो और कर रहे हैं रोजाना जरूरतमंद लोगों की मदद। सिनेमा के रूपले पर्दे पर खलनायक की भूमिका निभाने वाले अभिनेता करण पांडे रियल लाइफ हीरो बन गए हैं। वे रियल लाइफ हीरो बनकर जरूरतमंद लोगों के मदद करने में बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं। सामाजिक कार्यों में समाज सेवा करने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में अग्रणी उनकी संस्था श्वेतरन फाउंडेशन और अपना परिवार के माध्यम से वे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस COVID-19 के चलते मुंबई में जो भी व्यक्ति खाने व दवा को लेकर परेशान हैं उनकी भरपूर मदद कर रहे हैं। लगभग 25 मार्च से ही उनकी टीम लगातार लोगों तक सेवाएं पहुँचा रही हैं। अभिनेता करण पांडे, एडवोकेट श्वेता तिवारी, A1 सिक्योरिटी कंपनी के DD त्रिपाठी, बेस्ट सिक्योरिटी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर धनंजय मिश्रा, त्रिशूल सिक्योरिटी के कंपनी के अमित सिंह, ओरिएंट सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के DK उपाध्याय, VR एंटरप्राइजेस के योगेश शुक्ला, संजीव सिंह एक साथ जुड़कर जरूरतमंदों की हर तरह से मदद कर रहे हैं। इन दिनों लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को राशन, खाद्य सामग्री व दवाइयां उनकी टीम जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रही है। करण पांडे ने कहा कि जरूरतमंद लोगों की सेवा से बढ़कर कोई और पुण्य नहीं हो सकता। हम यह मदद कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हमारी संस्था श्वेतरन फाउंडेशन और अपना परिवार की तरफ से सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी यह मदद कार्य किया जा रहा है। मुंबई में जो भी जरूरतमंद जहां भी हैं उनके पास पहुंचने की हमारी तरफ भरपूर कोशिश की जा रही है और उनको राहत सामग्री मुहैया की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि आप लोग संयम रखें, लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। चावल है, दाल है, जो रोजमर्रा की जरूरत होती है एक परिवार के लिए 10 दिन कम से कम 10 से 15 दिन चावल है, दाल है, आटा है, तेल है, साथ में मसाले हैं, नमक है, शुगर है, चाय पत्ती है, सब चीज हम जितना हो सकता है उतना हम वो कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है लोगों तक पहुंचे। आज 40-45 दिन से हमने सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना पोस्टर बना के डाला है कि जिसको जरूरत हो हमको सिर्फ व्हाट्सएप करे। हमको किसी के साथ फोटो नहीं खिंचाना है, किसी के साथ वीडियो नहीं लेना है, ऊपर वाला देख रहा है, जो करना है उनको, वो भी हमारी तरह है, इंसान ही है, तो उनकी जरूरत अगर हम समझेंगे तो वही बड़ी बात है। और मैं स्पेशली इसके चैनल के थ्रू और आज मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं खास करके मेरे ग्रुप के लोग जो भी श्वेतरन फाउंडेशन और अपना परिवार से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे बड़े भाई साहब हैं DD त्रिपाठी जी हैं, श्वेतरन फाउंडेशन के हमारे हैं एडवोकेट श्वेता तिवारी हैं और धनंजय मिश्रा जी हैं जिनका सिक्योरिटी चलता है, त्रिशूल सिक्योरिटी के अमित सिंह जी हैं, योगेश शुक्ला जी हैं, ऐसे कई लोग जुड़े हुए हैं। जो करण भैया ने बताया कि भाई साहब के ADP न्यूज जो है उसके माध्यम से पता चला, तो हम लोग एक शाम को बैठ के चर्चा किए तो बोले ऐसा ऐसा बात है, तो बोला भैया चलो चलते हैं। तो ये गरीबों का जो जहाँ भैया ने बताया जहाँ पे आम मीडिया नहीं पहुंच पा रही है, भाई साहब ने जो काम किया है उससे हमको ये जानकारी मिली, हम सब लोग ने ये कार्य के लिए आए। और मैं बहुत भाई साहब का बार बार अभिनंदन करूंगा कि जहाँ कोई नहीं पहुंचा वहां भाई साहब ने पहुंच के हमको जानकारी दी, क्योंकि सोशल मीडिया यहां नहीं पहुंच सकता, ये भली बात सब जानते हैं। लाइमलाइट का जमाना है, लोग लाइमलाइट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ये जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो इतनी कड़क धूप में, सर्दी हो, गर्मी हो, सब कुछ हो, यहाँ ही रहते हैं, लेकिन इनका कोई ध्यान नहीं दे पाता। ऐसे हमारे श्वेतरन फाउंडेशन, करण पांडे जी, अमित सिंह जी, योगेश शुक्ला जी, DD त्रिपाठी भैया, हम सब ने मिलकर इस योजना को बनाया और यहाँ तक पहुंचा। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने न्यूज द्वारा हम सबको बताया, और ऐसे ही बताते रहेंगे, जहां जहां बताएंगे हमारा फाउंडेशन वहां वहां जा जाके ऐसी हेल्प करता रहेगा, यही है बस। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं अमित सिंह, त्रिशूल सिक्योरिटी फोर्स मेरा जो है कंपनी का नाम है, और मैं श्री परमहंस स्वामी अर्गडानंद महाराज जी का भक्त हूँ जो यथार्थ गीता के रचयिता है, और उनका मेन उद्देश्य है कि जो है आप जो भी उनका सहायता कर सकते हैं उनकी भली भांति आप उनका सहायता करिए, और बस उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं।